जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी दिल्ली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी। ठीक है, तो क्लास 8th तक समाप्त हो गया, 6th 7th 8th। और मैं आपसे एक बात बता दूं कि क्लास 6th 7th 8th में हम लोग जिस डिटेल से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अब आने वाले क्लासेस की एनसीईआरटी आप लोग को बहुत ही आसान लगने वाली है। ठीक है, आप लोग को लगेगा यार ये चीज तो सर आपने पहले से ही बताई थी, पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है सर, है ना। लिटरली बता रहा हूँ, ये वाली फीलिंग आने वाली है। तो तैयार हो जाते हैं हम लोग। और देखिए, कई लोग ना अलग अलग बहाने मारते हैं टेस्ट ना देने के। जैसे अभी मैं कुछ दिनों पहले बात कर रहा था, तो सर हमें बुखार हो गया है, इस वजह से आज टेस्ट नहीं दे पाया। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। मुझे अभी करंट में 101 डिग्री का बुखार है और मैं आप लोग के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रॉपर, है ना। दवा खाया हूँ, प्रॉपर दवा खा के बैठा हुआ हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूरा पंखा लाइट सब बंद करके यहाँ पे आप लोग के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब तक आप, तो इस फील्ड में मेरा सक्सेसफुल होना श्योर है, ये सिंपल सी बात है, ये समझिएगा। इस फील्ड में दवा खा के जो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, सुबह से सोया हुआ था, लेटा हुआ था रजाई में, है ना, और जो दवा खाया, खाना खा के थोड़ा सा लगा कि नहीं नहीं अभी ठीक लग रहा है, दवा का असर जो थोड़ा सा हुआ, तुरंत बढ़िया लेक्चर रिकॉर्ड कर दे। तो जब ये डेडिकेशन आप लोग किसी फील्ड में दिखाएंगे तो आप लोग का सक्सेसफुल होना श्योर है। एग्जाम के लिए भी ये लेवल का डेडिकेशन चाहिए। तो ये चीज आप लोग को एकदम दिमाग में रखना है। टेस्ट वेस्ट ना देने के, लेक्चर ना करने के 50 बहाने मिल जाएंगे। ठीक है, कि लेक्चर ना करने के आपको 1000 बहाने मिल जाएंगे कि सर कल मेरे यहाँ छठ था, कल मेरा ये पूजा थी, कल मेरे यहाँ देव दिवाली मनाई गई। 50 बहाने आप खोज लोगे, लेकिन सिलेक्शन के लिए एक कारण केवल खोजना होता है सक्सेसफुल होने के लिए। केवल एक कारण आपको चाहिए होता है, वो है कि समयबद्ध तरीके से भिड़ना। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 9th की स्टार्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट आप मेरे इस डेडिकेशन से थोड़ा मोटिवेट होगे कि जब मैं आपको पढ़ाने के लिए, ये तो बहुत इजी था, मैं एक मैसेज टाइप कर देता आराम से कि मेरी तबीयत खराब है, आज की क्लास छुट्टी, मतलब बहुत आसान था, है ना, और सैटरडे भी है। लेकिन मुझे पता है कि नहीं, समय पे आपका कोर्स कंप्लीट कराना बहुत जरूरी है। जब आप लोग का कोर्स समय पे कंप्लीट होगा तो आप ही लोग दुनिया को बताओगे, आप ही लोग आने वाले समय में जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आप बताओगे कि सर ने तबीयत, ये टीम इतनी डेडिकेटेड है कि तबीयत खराब होती है फिर भी समय पे काम करती है। तो इससे भी हमारा फायदा ही होगा। तो मुझे पता है कि फायदे के लिए ही मैं काम कर रहा हूं, नो डाउट, है ना, मैं अपने फायदे के लिए ही काम कर रहा हूं। लेकिन ये जो डेडिकेशन मैं दिखा रहा हूं, कहीं ना कहीं आप इससे प्रभावित होके टेस्ट में ये डेडिकेशन दिखाइए, लेक्चर कंप्लीट करने में ये डेडिकेशन दिखाइए, आप देखेंगे कि आप सक्सेसफुल होना श्योर है। ठीक है, तो अब देखिए मैं बताता हूं। मैंने कहा था जब क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, तो वहां पे हम लोग ने भारत की आकार और स्थिति, भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत का अपवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन्य प्राणी, जनसंख्या, ये थोड़ा बहुत हम लोग ने ऊपर ऊपर देखा था। मैंने कहा था ये क्लासेस इंट्रोडक्टरी है, याद हो गया आप लोग को, मैंने कहा था ये क्लासेस इंट्रोडक्टरी है। इवन अगर आप पीवाईक्यू देखो, देखो यूपीएससी का पीवाईक्यू, मैं कह भी रहा हूं आप लोग से, ये दृष्टि वाली खरीद लीजिएगा, हम लोग आपको दिखाएंगे, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, चिंता मत कीजिए, लेकिन खरीद लीजिए, कोई लोड नहीं है। जब तक यूपीएससी हिंदी की नहीं आती, हम लोग बनवा रहे हैं अपनी पीवाईक्यू, तो आज समय लगेगा, लेकिन हम लोग इससे भी डिटेल में पीवाईक्यू बनवा रहे हैं प्रॉपर, कि ये टुक्का लगा नहीं। लेकिन वो अभी आप लोग के काम की नहीं है, अभी आप लोग को रीडिंग है, अभी आप लोग को रीड करके चीजों को देखना है ना, अभी आप लोग को चीजों को देखना है, चीजों को केवल समझना है। आंख से पानी गिर रहा है, नाक से गिरे तो अलग बात है, अखियों से पानी गिर रहा है सफरा, ठीक है। तो आप लोगों को वो चीज देखनी है, ठीक है। तो समझने के लिए आप जो है ये पीवाईक्यू खरीद सकते हैं, साथ साथ में देखते रहिए। देखिए अगर आप देखेंगे ना, देखिए अभी कौन सी ऐसी आइटम पढ़ने जा रहे हैं, नाइन्थ पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर क्या था, यही था ना, देखो भारत का भौतिक स्वरूप यही था, देखो सेम चीज आप देखना, देखना अगला देखना, अपवाह तंत्र, देखो चैप्टर में सामने चैप्टर ओपन कर दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि यार कितनी बढ़िया एनसीईआरटी है। ये कॉन्फिडेंस एक बार आना चाहिए, ठीक है। देखो भारत का आकार और स्थिति है ना, पहला पहला चैप्टर आकार और स्थिति, और यहां पर देखो पहला क्या है, भू आकृतिक प्रदेश और भूगोल संरचना भारत की, तो यही तो है भारत का भौतिक स्वरूप और आकार और स्थिति, ये दोनों मिलाकर भू आकृतिक प्रदेश, आकार और स्थिति, यही तो है, देखना अभी अभी हम लोग देखेंगे भी, है ना, यही चीज तो है, क्या अंतर है, ठीक है। अपवाह तंत्र, जलवायु, देखिए देखते हैं हम लोग, अपवाह तंत्र है, देखिए आ रहा ना पीवाईक्यू में, 2021 में भी क्वेश्चन आया, देखो ठीक है, देखो दो दो क्वेश्चन, ठीक है, देख रहे 19 18 17 हर साल आ रहा है, यानी एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो ना, तो मोर देन, मैं यूपीएससी का दिखा रहा हूँ, यूपीपीसीएस का तो मुझे दिखाने का मन ही नहीं है, मतलब मैं लिटरली ये जब ये चीज देखता हूँ मेरी तबीयत सही हो जाती है, यूपीपीसीएस का तो मुझे दिखाने की नहीं मन है, क्यों,
एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं है। यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में तो तब भी थोड़ा करंट पूछ देता है, एक आटो करंट पूछ देगा ठीक है, लेकिन यूपीपीसीएस में तो करंट एक को नहीं पूछेगा, एग्जैक्ट वहीं से वहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये बात समझिए, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखेंगे आप अगर अगला देखेंगे जलवायु, देखिए जलवायु जलवायु देख रहे, तो फिर क्या है, फिर अगला देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति देख रहे, इतना मैच करता है भाई, इतना मैच करता है, अभी अंदर के कंटेंट भी मैच करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा मैच करता है जो क्वेश्चन का बाइफर्केशन है यूपीएससी यूपीपीसीएस में। तो आप इस बात को समझिए, क्यों मैं बोल रहा हूं कि पीवाईक्यू लेके बैठो, आधा घंटा एक बार मेहनत करो, ठीक है, आधा घंटा एक बार मेहनत करो। मैं पहले क्या करता हूं, जो आज आपको पढ़ाना है, मैं थोड़ा दो चार आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है, पहले दो चार क्वेश्चन दिखाता हूं, यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है, ये एक भी मिनट आपका ये टाइम पास नहीं है, ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं इस बात को, ठीक है, मैं आपसे इस बात को बार बार कह रहा हूं कि जब पढ़ने बैठिए तो पीवाईक्यू साथ में लेके बैठिए। मान लीजिए आप लेक्चर कर रहे हैं, देखिए ये अप्रोच सीखनी बहुत जरूरी है ना, ये अप्रोच सीखेंगे तभी अपो दीपो भव के माध्यम से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये अप्रोच है, जैसे आप एनसीईआरटी का लेक्चर करने बैठ रहे हैं, मान लो एनसीईआरटी का लेक्चर करने आप बैठ रहे हैं, तो यार पहले एक बार पीवाईक्यू देख लो 15 मिनट, कुछ नहीं करना, देखो भारत एवं विश्व का भूगोल निकाला लाइन से एक बार, अभी मान लो हम आज सपोज एक चैप्टर करें, मान लो हमने एक चैप्टर आज किया, तो एक चैप्टर कितने क्वेश्चन है, 10-20 कितने क्वेश्चन है, यहां पे तो खत्म 10 क्वेश्चन है, तो केवल रीड करना, मैं भी नहीं कर रहा उसके आंसर निकालना है, इससे पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, पहली बात कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, पहली बात तो सबसे पहली बात ये पता चलेगी। दूसरी बात, हमें और क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी, आप लोग पूछते हो ना सर कौन से सोर्स पढ़े, कहां से पढ़ ले कि सिलेक्शन हो जाए, किसी से पूछो मत, आपके पास बेस्ट अवेलेबल सोर्स पीवाईक्यू है, आपके पास मार्केट में सारे अवेलेबल किताबें हैं, पहले पीवाईक्यू देखो, उन किताबों को देखो, देखो कि हमारे लिए बेस्ट अवेलेबल सोर्स कौन सा है। इस बात को समझिए, सिलेक्शन लेना है तो अकल खोल के सिलेक्शन लेना है, न कि दिमाग बंद करके, दिमाग बंद करके किसी की बात सुन के सिलेक्शन नहीं होगा, दिमाग खोल के लॉजिकल रीजनिंग करके सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात एकदम क्लियर कर समझिएगा, और एनसीईआरटी बैच इस मामले में आप लोग के लिए, मतलब मैं कह रहा हूं इंडिया में बेस्ट बैच, इसी कारण से कि हम लोग अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर रहे हैं कि देखिए ये चीज है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, फुल एफर्ट अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो पूछ रहा है देखो लोकेशन कैसा पूछ रहा है, ये कहां स्थित है, अवस्थिति के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, बैरन द्वीप जो भारत का ज्वालामुखी है उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, मैच द कॉलम जो भारत का भौतिक स्वरूप है ना, भौतिक स्वरूप, इसके बारे में पूछ रहा है कि कार्डमम पहाड़ियां किधर है, कैमूर किधर है, महादेव किधर है, मिकिर कहां है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हो जाते हैं, तो क्यों हम 50 सोर्स पढ़े जब एनसीईआरटी से हो जाते हैं, और जब हमने एनसीईआरटी बैच ज्वाइन भी कर रखा है, ठीक है, पैसे भी दे रखे हैं भाई, 2,000, 2,500, 3,000 जो भी फीस आपने दे रखा है, तो फोकस होके इस पे ज्यादा समय दीजिए, इसको प्रायोरिटी में फर्स्ट रखिए, और देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं दो लोग की कॉपी दिखा देता हूं आंसर की, ठीक है, तो आप लोग के लिए और अच्छा रहेगा, हालांकि आज मैं दिखाने के मूड में नहीं था, थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं है वाकई में, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि ठीक है रेगुलरिटी तो कम से कम रहेगी, ये लोग लिख तो रहे हैं, अच्छी बात यह है कि इन दो तीन लोगों की कॉपी दिखाने से दो तीन लोग लिख रहे हैं, तो ये मेरे लिए एज अ टीचर बहुत बड़ा सक्सेस है। मैं भले से डांट रहा हूं, हड़का रहा हूं, दरिया रहा हूं, लेकिन ये लोग जब इंप्रूवमेंट करेंगे ना तो इन लोग का नाम लिस्ट में रहेगा सामने, जो लोग नहीं लिख रहे हैं, जो लोग सोए पड़े हैं, सोच रहे हैं कि वीक में एक दिन जागेंगे उसी दिन सारी क्लासेस कर लेंगे, देखिएगा आप लोग को बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है, तो काम करते रहिए। जैसे ये प्रश्न, हालांकि ये प्रश्न तो मैंने शायद क्लास में दिया नहीं था, लेकिन ठीक है, हाल ही में ही हुई औद्योगिक आपदा का उदाहरण देते हुए इसके कारणों और इससे बचने के उपाय पर चर्चा कीजिए, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसके कारणों को बताओ और चर्चा करो, तो सीधे अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले सबसे पहले आप लोग को अब नई अप्रोच, इतने दिन से आंसर राइटिंग डेली 10 मिनट डिस्कशन कर रहा हूं, आज से और अप्रोच करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर मार्किंग करना है, और जो अब लोग कॉपी भेजिए, जो लोग इस लेक्चर के बाद जो लोग कॉपी भेजेंगे तो ऐसे क्वेश्चन की मार्किंग अपने में कर लेंगे कॉपी में, जैसे यहां पर उदाहरण देते हुए तो यानी पहला पार्ट, ठीक है, इसके कारण यानी दूसरा पार्ट, बचने के उपाय मतलब तीसरा पार्ट, क्यों बोल रहा हूं ये चीज जो है ना, जो हेडिंग्स जो डाल रहे, देखिए औद्योगिक आपदाओं के कारण ये हेडिंग्स डाल रहे हैं, यहां से क्लियर हो जाएगा, जो आपने लिखा कि नंबर दो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नंबर दो क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा ये चीज लिखने से, आपके दिमाग में रहेगा यार 200 शब्द का प्रश्न है,
तो मुझे पक्की बात है तीन तीन चीजें इसमें लिखनी है, तीन चीजें लिखनी है, कारण और बचने के उपाय, तीन चीज मुझे लिखनी है। तो मुझे पक्की बात है यहां पर 200 शब्द का प्रश्न है, मतलब 11 मिनट, तो मुझे 3 मिनट से 3.5 मिनट हर पार्ट पे समय देना है। इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो इन्होंने पूरा इसको बताया, अब औद्योगिक आपदा औद्योगिक आपदा की परिभाषा दी है, ठीक है। फिर यहां पर बताया औद्योगिक घटनाओं का कारण आग विस्फोट रिसाव होता है, सुरक्षा मानकों को लापरवाही बरतना। टू द पॉइंट लिखिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, मतलब टू द पॉइंट मतलब पॉइंट फॉर्मेट में। घटनाओं का कारण हेडिंग डालिए यहां पर, ठीक है, घटनाओं का कारण हेडिंग डालिए, और यहां पर पहला लिखिए आग विस्फोट रसायनों का रिसाव, दूसरा लिखिए अधिकांश कंपनियों द्वारा मानक करने लापरवाही, ये तीसरा लिखिए, चौथा लिखिए, ठीक है। ये आपने यहां पर उदाहरण दे दिया, तो लिखिए उदाहरण यहां पर लिखिए ना भाई, कह रहे ना हाल में हुई औद्योगिक आपदा का उदाहरण, तो यहां पर लिख दीजिए हाल का उदाहरण, ठीक है। ये बात आप समझ सकते हैं, इस मैप की जरूरत नहीं है। अब मैप का मतलब कुछ भी नहीं बना देंगे, है ना, ये मैप का मतलब ये कोई जरूरत नहीं है। मैप का मतलब क्या है समझिएगा, अकाबा का बंदरगाह, इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या अकाबा का बंदरगाह कहां पे है, इस मैप से क्या समझ में आ रहा है। मैं ऐसे एक जगह, चलो मैं एक मैप बना रहा हूं, हंसी मजाक थोड़ा चलेगा, मैं सांप बना रहा हूं, एक ठो ये सांप है, मान लीजिएगा सांप है, और देखो इसका फन, और मैं यहां पे लिख रहा हूं अकाबा का बंदरगाह, कोई गलत प्रूफ कर दो सर गलत है, इससे क्या पता चल रहा है इस मैप से। ये तो समझे लग रहा है पान का पत्ता था, पान का पत्ता को ऐसे ऐसे थोड़ा जोड़ देते पान का पत्ता बन जाता है ना, इससे क्या समझ में आ रहा है। तो मैप बनाने का मतलब कसम खा के मैप हर क्वेश्चन में नहीं बनाना है, मैप बना रहे ना अगर, तो कुछ यहां पर बताइए, पता तो चले कि यहां पर क्या चीज है। अकाबा कहां है मुझे तो ये भी नहीं पता है ना, आप सोच रहे कि एग्जामिनर इतना समय लेगा कि जॉर्डन के अकाबा बंदरगाह सब पड़ेगा, इतना क्लियर नहीं एग्जामिनर, इसमें प्रॉपर बताइए कि ये लोकेशन जॉर्डन है, बगल में इजराइल है, दिखाइए तो पता तो चले कि क्या है, और इससे कुछ दिखाइए। इस औद्योगिक आपदा से आपने बताया 265 से अधिक लोग घायल हो गए, 13 लोगों की मौत हो गई, तो यहां पर दिखाई ना कि क्यों मौत हो गई, क्योंकि यहां पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, इस वजह से तो लोग मरे, लोग ही नहीं रहते, आपदा हो जाए औद्योगिक, तो ये अप्रोच थोड़ा समझ लिया, मैं डरिए मत, धीरे धीरे अप्रोच आ जाएगी, लिख रहे हैं ना, रोज लिख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अप्रोच अपने आप में समय के साथ आ जाएगी, इसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन लॉजिक समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। मैप का मतलब यह नहीं कि कुछ भी ड्राइंग कर दिया और उसपे एक पॉइंट दिखा दिया, मैप का मतलब मैप में कुछ इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए, इन्फो दिखनी चाहिए मैप में, पता चलना चाहिए कि मैप किस उद्देश्य से बनाया गया है। अगर आप औद्योगिक आपदा दिखा रहे हैं तो आप दिखाएंगे कि बगल में बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, ठीक है, तो बेटर है कि इंडिया का औद्योगिक आपदा दिखा दो। आपको क्या लगता है इंडिया में कोई औद्योगिक आपदा नहीं होती है? चेन्नई में हाल में ही वो कौन सा प्लांट में रिसाव हुआ था, स्टायरीन गैस, वो दिखा सकते हो कि भैया चेन्नई शहर के बगल में ही था, बहुत ज्यादा वहां पे ये था, है ना, बहुत हाईली पॉपुलेटेड, इसीलिए तो लोग मरेंगे, इसीलिए तो लोग वोमिटिंग करेंगे लोग। भोपाल गैस द्रास दिखा सकते हो, हालांकि वो हालिया नहीं है। अब बात यह होती है कि हाल को आप किसको मानते हैं, हाल का मतलब 1975 वाले से आज के समय को हाल मानते हैं कि इसी साल को हाल मानते हैं कि कल जो हुआ था उसको हाल मानते हैं, ये व्यक्ति से व्यक्ति डिफरेंट होता है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो 2-4 साल के अंदर जो भारत में आपदा हुई है उसको दिखा दो, मैप में दिखाना है तो उसको दिखाओ कि यहां पर क्या खास था कि यहां पर यह आपदा हुई, ऐसा क्या था, क्या यहां पर इंडस्ट्रियल जोन था, ठीक है, इंडस्ट्रियल जोन था जो बहुत ज्यादा रिस्की होता, बहुत ज्यादा रिस्की होता, ठीक है, तो ये बात समझिएगा। कारण फिर आपने बताया आग विस्फोट, फिर देखो अब आपने दोबारा इसी बात को दोहराया है, तो ये एकदम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये फिर आपने उपाय बताया, तो ठीक है, मतलब बढ़िया है ना, इसको लिखिए ईपीए 1986, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, तो मतलब सही है, दिख रहा है। तो जो मेजर गलती है, देखिए ये मैं सोचेगा कि एक ही दिन में सर सारी गलतियां बता दो, नहीं, मेजर प्रॉब्लम है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, एक ही चीज को दो बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो करते ही नहीं करना है, ठीक है। फिर आपने अच्छा अच्छा पॉइंट बताया, बढ़िया, ठीक है, ये हो गया, आपने सही किया। तो कुछ जो एरर है, मैप कैसे बनाना है ये समझ में आया होगा और यहां पर समझ में आएगा। अब दूसरी कॉपी एक देख लेते हैं, वो दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले बुरा ना मान जाए, मुझे भाई ये भी ध्यान रखना था, कोई बुरा ना माने, ठीक। तो ये है, व्हाट आर द कॉजेस फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो कह रहे भैया अनइवन क्यों डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, ठीक है। तो आपने यहां पर बताया पहले कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, आपने बताया कि वे इन विच स्प्रेड अक्रॉस क्या लिखा है, अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये बताओ, मुझे एक चीज समझाओ, आपने कसम खाई है क्या, जिसने वापी है, पहली बात तो चिढ़ना नहीं, लेकिन सबको, मैं सबके बात कर रहा हूं, कसम खाई है क्या कि
सर आपने क्लास में ये बात बताई तो वो तो मैं कतई नहीं लिखूंगा क्योंकि आपने अपने मन से बनाया, एनसीईआरटी कहां दिया था ये चीज। तो सर जो एनसीईआरटी दिखा रहेगा हम कसम से बोलेंगे, पैटर्न लिख रहे हो चलो अच्छी बात है, मैं इस बात का बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन मैंने यार आपको समझाया है कम से कम 1000 बार, बताना एक बार, आज 1021 बार समझा रहा हूं। पैटर्न का मतलब स्पेस एंड टाइम दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मोर दादा मोर मैया जोने लोग लिखे हैं कॉपिया समझ लें, स्पेस और टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चीज देखते हैं। यहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आपने जबरदस्ती बताया है कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, आप खुद ही अपने आप को फंसा रहे हो, उड़ती तीर पकड़ के सीने में खोप रहे, बस यही बात है। नेचुरल बताया क्लाइमेट सॉइल वाटर बॉडीज, ठीक है नो इश्यूज है ना। यहाँ पे ये भी बताना स्थलाकृति टोपोग्राफी, भाई समतल भूमि नहीं रहेगी टोपोग्राफी भी, और बता लीजिए ठीक है। मैनमेड इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया ठीक है, और क्या बोला था अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है आपने यहाँ पे इस बात को एक्सप्लेन किया। बेटर होगा मैं तो कहूंगा ऐसे मत लिखो, बेटर होगा मैं कहूंगा डायरेक्ट ये लिखो नेचुरल कॉसेस क्लाइमेट सॉइल वाटर बॉडीज टोपोग्राफी, सीधे बताओ कि पर्वतीय क्षेत्र पे कम, सीधे यहां पर एग्जांपल दो। वर्ड रिपीटेशन मत करो यार, एक भी शब्द को रिपीट मत करो है ना, एक भी चीज को रिपीट मत करो, सीधा नेचुरल फैक्टर है ना, नेचुरल कॉज ऑफ, यहां से सीधे बता सकते हो कि वर्तमान विश्व में, या फिर आप इंट्रोडक्शन ऐसे भी दे सकते हो कि पहले अर्लियर है ना, इंट्रोडक्शन दे सकते हो अर्लियर द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेनली अफेक्टेड बाई नेचुरल कॉजेस बट इन करेंट सिनेरियो या करेंट वर्ल्ड है ना द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड बाई नेचुरल रीजन्स एज वेल एज मैन मेड या ह्यूमन रीजन्स। आप इंट्रोडक्शन में इस बात को बता सकते हो कि दोनों होता है, और फिर आप सीधे लिख सकते हो नेचुरल रीजन मैन मेड रीजन, यहाँ पे इस बात को बता सकते हो। आपने अच्छा बताया, ये भी बहुत सही बताया ठीक है। इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत बढ़िया, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या बात है, वेरी गुड रहनी, आप लोग मेरी बात सुन रहे शाबाश, देखो जहाँ शाबाशी रहनी होगी मैं जरूर दूंगा, तो वेरी गुड बहुत अच्छा आपने किया, यहाँ पे प्रॉपर समझाया है, वेरी गुड यही चाहिए असल में ठीक है। अब आप एक काम ये भी कर सकते हैं ना, मैप में डायग्राम भी बनाइए, ये दिखाइए, ये भी तो क्लास में बोला था 0 से 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखिए, नो नियर नो पॉपुलेशन, नियर नो पॉपुलेशन, नियर नो पॉपुलेशन, यहाँ पे दिखा दीजिए जो मानसूनी रीजन है एशिया वाला ये रीजन है, यहाँ पे दिखा दीजिए डेंस डेंस पॉपुलेशन ठीक है, यहाँ पे दिखा दीजिए डेंस पॉपुलेशन, यहाँ दिखा दीजिए डेंस पॉपुलेशन, यहाँ पे दिखा दीजिए थोड़ा सा ठीक ठाक पॉपुलेशन, ऐसे या वर्ड मैप बना के अगर ये नहीं देखो, ये जो चीज है वो शॉर्टकट है, ये आपका एक मिनट भी समय नहीं खाएगा। अगर आपको चाहिए अगर आपको वर्ड मैप, तो सबसे बेस्ट तरीका है ये, तुरंत वर्ड मैप बनाओ, देखो कितना समय लग रहा है वर्ड मैप बनाने में ठीक है, तुरंत बनाओ वर्ड मैप और यहां पर दिखा दो कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, या फिर सीधे ऐसे लिख दो HPD हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी, यहां पर लिख दो वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी, वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसे भी कर सकते हो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी कर सकते हो, तो या आपकी इच्छा है आप जैसे चाहो वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत बढ़िया आंसर था, एक कमी वही थी जो बोला है, बाकी ठीक है आपका आंसर काफी सही है, इंप्रूव करिए ना, इंप्रूवमेंट तो समय के साथ होगा ना, एक दिन में नहीं होगा। वापिस आते हैं हम जियोग्राफी पे ठीक है, और जो लोग नहीं लिख रहे लिखिए, और दूसरी बात ये मत सोचे कि मैं रोज आपकी कॉपी चेक ही करूंगा, इस बात की गारंटी नहीं है, ये कोर्स NCERT का कोर्स है, लिखना आपका बहुत जरूरी है, जो मैं काम कर रहा हूं वो करना बहुत जरूरी है, ये मत सोचना जो आपको कि मेरा वो मेरे लिए कहना बहुत जरूरी होगा ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखते हुए अपने लिमिट में है ना, रिक्वेस्ट करिए बोलिए भी बात ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना है ठीक है। अच्छी बात यह है कि ये वाला एक एक पेज में दो दो दिया हुआ है, तो हम लोग को और बढ़िया से जूम करके सब दिखाई देगा ठीक है, अच्छी बात यह है। तो पहले हम देखते हैं, पहले इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं यार, फिर इस बात को करेंगे। ये चैप्टर जो है भारत की आकार और स्थिति, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को डिस्कस कर लिया है, क्लास सिक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया था, रिविजन करवाऊंगा वापिस, रिविजन ठीक है, तो रिवीजन होगा, एक दो चीजें जो ऐड होंगी वो ऐड हो जाएंगी। भारत आकार और स्थिति का मतलब ये है कि भारत का आकार कैसा है, पहली बात तो ये है कुछ आकार भारत का, इस तरह का आकार है जो भी है। अब आकार का मतलब इसकी ईस्टर्न सीमा, इसकी वेस्टर्न सीमा, इसकी नॉर्दर्न, इसकी साउदर्न सीमा कहाँ है, पहली बात आकार का मतलब ये। दूसरा इसका लोकेशन किधर है, किस जगह इसका लोकेशन है, क्या ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, क्या ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है, क्या ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, क्या ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है,
लोकेशन, क्या ये पैसिफिक ओशियन में है, क्या ये इंडियन ओशियन में है, ठीक है। तो ये होता है लोकेशन, कौन सी लोकेशन है, मतलब मैं आपसे कहूं कि तुम कहां रहते हो, मैं आपसे कह रहा हूं तुम कहां रहते हो, तो आप अपनी लोकेशन क्या बताओगे, आप क्या बताओगे, अपना नॉर्थ कोऑर्डिनेट या साउथ कोऑर्डिनेट या दोनों साथ में, सॉरी नॉर्थ साउथ से काम नहीं चला, नॉर्थ और ईस्ट, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, दो पॉइंट अपना बताओगे कि आपका लैटिट्यूड यानी अक्षांश क्या है और आपका देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड क्या है, यही दो तो मुझे बताओगे तो मैं पहुंच जाऊंगा कि हाँ ये लोकेशन है। या फिर आप एक तरीका से ये बता सकते हो कि हम गोरखपुर में रहते हैं, नौका बिहार से सीधे चलिए ये वाला रास्ता जाएगा, है ना, तो नौका बिहार, या फिर रामगढ़ ताल झील के बगल में रहते हैं तो रामगढ़ ताल झील क्या, एक तरह से समझ लो मैं इंडिया का अगर लोकेशन पूछूं तो आप कहेंगे इंडियन ओशियन में सीधे चले जाओ अफ्रीका से घूमते हुए तो पहुंच जाओगे इंडिया, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन मतलब कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि इंडिया का विस्तार बहुत ज्यादा है, इंडिया का विस्तार ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइड बहुत ज्यादा है, तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे ईस्टर्न बाउंड्री इंडिया की इस लोकेशन पे, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इस लोकेशन पे, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इस लोकेशन पे है और साउदर्न मोस्ट पॉइंट इस लोकेशन पे, तो आप इस आधार पर इंडिया की लोकेशन बता पाएंगे, ठीक है। और जो जो इससे रिलेटेड विशेषता होगी कि इंडिया की मीन टाइमलाइन कौन सी है, ठीक है, टाइमलाइन कौन सी है ये बताएंगे। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, मैंने पहले देखो एक चीज और है, ये लेक्चर के लिए तैयार हो जाना बढ़िया से, इसलिए यहां पे आपको आंसर देना है। जैसे मैंने प्रॉपर जब इंडिया का मानक या अम्योत्तर पढ़ा रहा था, ठीक है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम पढ़ा रहा था, तो किस राज्य से होके जाती है ये सब मैंने बताया था, पांच राज्य थे मैंने सब बताया था, नहीं याद है तो शर्म करिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैंने ये सारी चीजें बताई थी, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होके जाती है ये भी मैंने बताया था, तो हर चीज मैंने क्लास सिक्स वाले में बता दिया था, दोबारा बार बार उसको रिपीट करूंगा, समय वेस्ट नहीं करने वाला मैं आपका, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ये समझ में आएगा कि इस चैप्टर में लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो हम लोग बेसिकली हम लोग इंडिया के बारे में समझने वाले हैं कि लोकेशन कहाँ है, ईस्टर्न पॉइंट कहाँ है, वेस्टर्न पॉइंट कहाँ है, ठीक है, दिन और रात का अंतर किधर किधर कितना है, तो हम ये समझने वाले हैं इंडिया के इससे, ठीक है, इससे रिलेटेड लोकेशन ऐसी है तो उसके क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सब बातें हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो अब भारत के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, तो वही समझाया भारत के बारे में कि कह रहा है इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन, तो कह रहा है प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, और मोदी जी के राज में, मोदी जी ने लिखा है, मैं ऐड कर रहा हूं, मोदी जी के राज में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से विश्व का नेतृत्व किया है, ठीक है। भारत क्या कर रहा है, अद्भुत प्रगति है और विश्व इतिहास में भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये बात ये बता रहा है इंट्रोडक्शन भारत के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत, भारत शब्द सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मैं आपसे कहूं भारत, तो पहली बात सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, क्या आएगा कि भारत महान है, भारत ऐसा है, भारत वैसा है, भारत की लोकेशन ये है, तो वही बात यहां पे समझा रहा है, ठीक है। भारत की जलवायु ऐसी है, भारत की ये वो भारत, ठीक है, बस समझिएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन, लोकेशन, तो लोकेशन ने क्या कहा, दो चीजें होती है लोकेशन, आप कैसे बताओगे, ईस्टर्न पॉइंट किधर है भारत का, वेस्टर्न पॉइंट किधर है, किस गोलार्ध में यानी किस हेमिस्फीयर में भारत, यही सब तो आप बताओगे, तो वही चीज यहां पर दी हुई है। तो देखिए कह रहा है भारत एक विशाल देश है, मतलब वास्ट कंट्री है भारत, एक विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, पूरा पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बात समझिए, और नॉर्दर्न के साथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी, देखो यहां पर देखो इसी मैप से, इस मैप से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ये देखो ये आपका जीरो डिग्री लाइन है, जीरो डिग्री के इधर क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है पूरी तरह से, ये आपका जीरो डिग्री इक्वेटर लाइन है, मतलब विषुवतीय रेखा है, तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो देखो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत है, दिख रहा है कि भारत ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, जैसे ये जीरो डिग्री लाइन ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर में बांट रही है ना पूरे अर्थ को, इस तरह से जीरो डिग्री विषुवतीय रेखा यानी जो जीरो डिग्री लैटिट्यूड है वो साउथ नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांट रहा है, तो भारत क्या नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, सिंपल सी बात है, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रिलेटरल में है, नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत है, ठीक है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। अब कह रहा है इसका विस्तार देखो, ये विस्तार, इसके बारे में बात कर रहा है, ये इस पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है, तो कह रहा है यहां पर देखिए इस बात को कह रहा है इसका मुख्य, और ये याद होना चाहिए, पीसीएस में डायरेक्ट प्रश्न आएगा, ठीक है, पीसीएस में डायरेक्ट, मैंने आपको पीसीएस का पीआईक्यू दिखाया ही नहीं, क्यों, वो लाइन बाय लाइन यहीं पर है, उसको देखने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन में सब लगता है कि यूपी पीसीएस ने एक एक लाइन से क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है, तो यूपी पीसीएस ने एक एक, जिन लोगों का यूपी पीसीएस नहीं हो रहा है ना, बार बार प्री मेंस में दिक्कत आ रही है, सही से कर लेना एनसीईआरटी और देखना इतने सही हो जाएंगे, कहोगे यार अरे ये क्या हो गया,
है ना, इतने से जाएंगे। जुकाम कम होता है शायद, कान सिर सब जगह दर्द होता है ना, जहां भी दर्द हो रहा है पूरा लग रहा है, खींच रहा है कुछ, लग रहा है कोई कान पकड़ के हिट रहा है। बच्चों को इतना क्यों सुनाते हो? मेरा एक दोस्त फोन किया, कह रहा है तुम इतना चिल्ला दो बच्चों, अगर कॉलेज में तो ऐसे नहीं थे। मैंने कहा थोड़ा सा टीचर बन गया हूं ना, टीचर की थोड़ी सी आदत अलग हो जाती है। ठीक है, भारतीय विकास देश है यहां पे बताया। अब देखो ये बात, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, तो ये कह रहा है यहां पर। इसको दूसरा मैप देखते हैं, ये बगल में तो ये वाला देख लेंगे, ये सॉरी, एक तो ये है, इससे पता चल ही रहा है ना। और यहां पर देखिए दिखाएगा ये, तो देखिए ये बात यही कह रहा है, कह रहा है भारत क्या है, ये 37 डिग्री उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, एग्जैक्ट याद कर लो, ये एग्जैक्ट याद करना है क्योंकि यही पूछ देता है। ठीक है, यही पूछ देता है, तो भारत की लोकेशन। ठीक है, ये बात हो गई। और कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, तो भारत की लोकेशन ये है। तो देखोगे लगभग 29 मतलब 30 डिग्री लगभग इधर भी है, 68 से 97 लगभग 30 डिग्री, 29 डिग्री कुछ मिनट इधर है, और 37 से लेके 8 ये भी लगभग 29 डिग्री कुछ मिनट इधर भी है, ये भी डिस्टेंस है, मतलब ये भी जो गैप है, ये और ये गैप डिग्री में लगभग बराबर है, मतलब कुछ मिनट्स का ही अंतर है, डिग्री में लगभग बराबर है। लेकिन अगर डिस्टेंस देखोगे तो यह है 2933 किलोमीटर, यह है 2933 किलोमीटर और यह है 3234 किलोमीटर, मतलब 300 किलोमीटर का लगभग अंतर हो जा रहा है, 300 किलोमीटर का अंतर हो जा रहा है। मतलब इंडिया का जो उत्तरी दक्षिणी विस्तार है वह बड़ा है, पहली फैक्ट तो ये, वह बड़ा है, उत्तर दक्षिण विस्तार इंडिया का बड़ा है, मतलब नॉर्थ साउथ जो एक्सपेंशन है इज लार्ज, उसके रिस्पेक्ट में ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन कम है किलोमीटर में, जबकि डिग्री में दोनों बराबर है। ये बात मैंने बताई थी, ऐसा क्यों, तो तुरंत आप लोग बता दीजिएगा, और नहीं आए तो शर्म कीजिएगा कि क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, वापस रिवीजन करा दे रहा हूं। क्योंकि देखो हम बात करते हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है अक्षांशों के बीच की दूरी, मतलब लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी, लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी, और लैटिट्यूड के बीच की दूरी हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी, चाहे वो 80 से 81 डिग्री लैटिट्यूड हो, या मतलब बेसिकली लैटिट्यूड मतलब अक्षांशों के बीच की दूरी, चाहे 80 से 81 देखे, चाहे 81 से 82 देखे, चाहे 0 डिग्री से 1 डिग्री देखे, दूरी हमेशा समान है, दूरी समान है। जबकि जबकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस है, लॉन्गिट्यूडनल देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार 0 डिग्री लैटिट्यूड पर, अक्षांश पर, यानी यानी देशांतरों के बीच की दूरी, जो देश देखो ये आपको इंडिया का ये वाला एक्सपेंशन नापना है, ये लेंथ नापनी है, तो आप क्या निकाल रहे हो, बेसिकली आप क्या करो, इस अक्षांश, ये जो ये वाला देशांतर है और ये वाला देशांतर है, इन्हीं के बीच की तो दूरी कैलकुलेट कर रहे हो, इन्हीं के बीच यानी 68.7 से लेके 97.25, इसी के बीच की दूरी कैलकुलेट कर रहे हो, दो देशांतरों के बीच की दूरी कैलकुलेट कर रहे हो। और यहां पर ध्यान रखिएगा, जो 0 डिग्री इक्वेटर जो लाइन है, देखो देशांतर क्या होते हैं, देशांतर 0 डिग्री पे जाके सब मिलने लगते हैं, सब देशांतर मिलने लगते हैं 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर ऐसे देशांतर, ये बताया था लॉन्गिट्यूड ऐसे बताया था। तो यानी अगर मैं बात करूं विषुवत रेखा से, यानी इक्विटोरियल से 0 डिग्री जाने पर घटती है देशांतरों के बीच की दूरी, क्योंकि भारत का विस्तार भी 0 डिग्री से ऊपर है ना, ऊपर है, तो इसमें देशांतरों के बीच की दूरी घट गई है, और इस कारण से ये वाला विस्तार कम होता है, ये वाला विस्तार ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि देशांतर की दूरी ऊपर जाने पर घटती है, सिंपल एज दैट, ये बात है, दिमाग में रखिए। ठीक है, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर। अब हम लोग आते हैं अगला, ठीक है, अगला पॉइंट। अब फिर कह रहा है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को दो बराबर भागों में बांटती है। देखो यहां पर ये बात समझा रहा है, कह रहा है जो कर्क रेखा है लगभग दो बराबर भाग, एग्जैक्ट दो नहीं, लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, देखो कर्क रेखा। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लगभग देख रहे हो दो बराबर भागों में बांट रही है, ये बात कह रहा है देश को दो बराबर भागों में, लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। किन राज्यों में गया है, मगरमच्छ झपटा से समझाया था, किन राज्यों से गया है, क्लासिक एनसीईआरटी में वही देखेगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, दोबारा प्रैक्टिस चलते रहेगा, क्योंकि प्री में यहीं पे प्रश्न आएगा, सीधा सीधा यहीं पे प्रश्न आएगा कि किन राज्यों से होकर
भारत के कर्क रेखा जाती है, उसमें से एक तो क्या करेगा, उड़ा देगा, कुछ अलग दे देगा, तो वही आपको गलत नहीं कर रहा है, ये बात समझना है, ठीक है। ये हो गया, अब कह रहा है ये तो हो गई मुख्य भूभाग, भारत का मुख्य भूभाग हो गया, लेकिन इसके अलावा क्या है भारत के पास, कुछ द्वीप समूह भी है। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो देखोगे भारत क्या है, ये भारत है हमारा, ये हमारा प्यारा भारत है, तो आप देखोगे यहां पर कह रहा है एक लक्षद्वीप है और यहां पे कह रहा है एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो उसी बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि भारत जो है, ठीक है, कह रहा है मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार, यानी दक्षिण पूर्व, देखो ये दक्षिण पूर्व में क्या है, अंडमान निकोबार है, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ये हो गया दक्षिण पश्चिम लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है, ये बात इसको बता रहा है, ठीक है। तो मतलब साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप और साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार, ये आइलैंड्स है भारत में। अब हम आते हैं आकार की, आकार की बात करते हैं, तो देखो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखना है, ये भी फैक्ट याद रखना है, तो जो फैक्ट बोल रहा हूं वो याद रखना है। तो भारत का आकार कितना है, लगभग 32.8 स्क्वायर किलोमीटर, लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, तो ये भी याद रखना है, कई बार यही पूछ देता है यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों, 2.2%, 3.4%, 2.4%, 2.6%, तो कितना है, 2.4% है, दिमाग में रखना है कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का यह है। फिर कह रहा है भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है, और भारत से पहले यानी भारत क्या है, 7th largest कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, तो सातों देश आपको याद होने चाहिए भारत के ऊपर वाले, तो ये देख लीजिए इधर सबसे बड़े देश विश्व का कौन कौन से है, रशिया सबसे बड़ा है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है ना, यूएसए चाइना, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है, तो इंडिया देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट इंडिया से बड़ा है, एक कॉन्टिनेंट ऑब्वियस ही बात है, लेकिन रशिया एक देश है, रशिया एक देश है जो कि कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है, देखो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है, तो ये दिमाग में रखना है। तो ये कैसे याद करोगे, RCA CBAI ऐसे याद कर सकते हो, चाहे आप, अब ये आपकी मर्जी, आप जो भी बना लो, मुझे लगता है इस मामले में आप मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे हो, ठीक है, इस मामले में आप मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे हो कि कैसे ये देखोगे, ठीक है, कैसे ये देखोगे, हाँ, तो रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, कनाडा यूएसए, फिर चाइना ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया, तो ये आप याद रखना है, 7वें नंबर पे भारत है, ये अपने आप पे एक प्रश्न पूछ सकता है, दिमाग में रखिएगा। फिर है अगला पॉइंट, भारत के आकार का अगला पॉइंट, भारत की स्थल सीमा की लगभग 15,200 किलोमीटर, समुद्री तटरेखा, ठीक है, तथा लक्षद्वीप समूह, सभी द्वीप समूह को मिलाकर, मतलब देखो एक तो ये हो गया, मैं यहां पे दिखाता हूं बगल में, देखो समुद्री तटरेखा मतलब यहां से ये वाली रेखा, इसको नापोगे ना, ये ऐसे ऐसे ये किलोमीटर नापते गए, ये नापते गए पूरा ये रेखा, लेकिन ये रेखा अकेले नहीं, इसको भी मिला के, इसके किनारे किनारे नापते गए नापते गए नापते गए नापते गए नापते गए नापते गए नापते गए, यहां भी नापते गए नापते गए, ये रेखा क्या है, कितना किलोमीटर है, लगभग 7500 किलोमीटर है, 7716 किलोमीटर है, ये जो पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है मेंस में इंट्रोडक्शन के लिए। तो मान लो इंटरनल सिक्योरिटी का प्रश्न आता है, इंटरनेशनल रिलेशन का प्रश्न आता है, या ज्योग्राफी का प्रश्न आता है, इंटरनल सिक्योरिटी में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि भारत की विशाल सीमाएं सीमा रेखा के संदर्भ में विभिन्न चुनौतियां उत्पन्न करती हैं, चर्चा करें, ऐसा कोई प्रश्न आता है, आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में ये फैक्ट बताना है, सीमाएं देखा जाए भारत की तो 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है भारत में, और लगभग देखोगे कोस्ट लाइन कितनी है, 7716 किलोमीटर है, तो इंट्रोडक्शन आप इस बात को बना सकते हो, ठीक है, कि लैंड बाउंड्री यानी जो जमीनी रेखा है वो 7716 किलोमीटर के आसपास, सॉरी 15,200 के आसपास है, जबकि समुद्री रेखा क्या है, लगभग 7516 किलोमीटर है, तो ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है ना। फिर बताया कि भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, ठीक है, ये बताया, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है, भारत का आकार समझा रहा है, कह रहा है देखो इसको समझो और कुछ नहीं, भारत का आकार यहां से देखते हैं और बढ़िया देखते हैं, सेकंड चैप्टर में यहां से देखते हैं, कह रहा है यहां पर नवीनतम वलित पर्वत है, भारत के न्यूएस्ट माउंटेन है, यंगेस्ट माउंटेन है, जो कि हिमालय है, तो कहां पर कह रहा है, उत्तर पश्चिम उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर, देखो उत्तर पूर्वी सीमा, उत्तर पश्चिम और उत्तर, यहां कह रहा है, कह रहा है हिमालय है भारत, ऐसे कहता कि भारत के ऊपरी भाग में हिमालय है, बात खत्म, ठीक है, ऊपरी भाग में हिमालय है,
कह रहा है दक्षिणी भाग, हिमालय के दक्षिण का भाग उत्तर में चौड़ा है, तो जब जैसे जैसे हिमालय के दक्षिण में जाओगे यानी साउदर्न ऑफ हिमालय जो जाओगे तुरंत तो यहां पे क्या होगी, इसकी चौड़ाई ज्यादा मिलेगी आपको, ये चौड़ा है, ये चौड़ा है, दिख रहा है। फिर कह रहा है जैसे जैसे दक्षिण जा रहे हैं तो ये संकरा होता गया, तो ऑब्वियस है जैसे दक्षिण जा रहे हो क्या हो रहा है, ये संकरा हो रहा है, देखो जैसे जैसे दक्षिण जा रहे हो तो ये संकरा होते जा रहा है, तो ये बात कर रहे हैं, कह रहा है उत्तर में तो चौड़ा है, दक्षिण जा रहा है तो संकरा होता जा रहा है, वही बात कहा है, ठीक है, वही बात कहा है। फिर बता इसके पश्चिम में यानी भारत के पश्चिम में अरब सागर है, यानी ये रीजन है भारत का, जो वेस्टर्न साइड अरेबियन सी है और जो ईस्टर्न साइड है वो वेस्ट बंगाल है, ये बात इसको मतलब आकार समझा रहा है और कुछ नहीं है, आकार समझा रहा है, ठीक है, यही कह रहा है। अब फिर प्रश्न वही पूछा जो मैंने आपसे पूछा कि देखिए अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये लगभग सही बात है, 68 से 97 है ना, और 6 से 35 ही है ना, 6 से कुछ ऐसा ही था, 8 से 37, ठीक है, तो 68 97 8 से 37 है। फिर भी कह रहा है कि पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, तो कारण भी मैंने आपसे बता दिया, ठीक है, पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, ये कारण भी मैंने आपसे बता दिया, लगभग हमने सारे पॉइंट डिस्कशन कर लिए। अब कह रहा है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है, 2 घंटे अंतर है, तो ये कह रहा है गुजरात, ठीक है, ये कह रहा है जो यहां पे एक पॉइंट था गुजरात जो 68.07 वाला पॉइंट था ये, और 97.05 कह रहा है इनके बीच का स्थानीय समय लोकल टाइम में 2 घंटे का अंतर है, ये बात बताओ समझ में क्यों, लगभग 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, 30 डिग्री क्या है, देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, लगभग 30 डिग्री में कितना घंटा होगा ये बताया था कि 15 डिग्री में 1 घंटा, 30 डिग्री में 2 घंटा, तो कह रहा है स्थानीय समय लोकल टाइम में 2 डिग्री 2 घंटे का गैप है, तो मान लो अगर हम भारत के समय को सपोज हम भारत की जो हमारी स्टैंडर्ड मीन टाइम थी वो यहां से नापते, मतलब यहां की जगह यहां जो ये है स्टैंडर्ड मीन टाइम है हम यहां से नापते, ठीक है, यहां से नापते, तो ठीक है यहां से नापते तो 12 बज रहा होता, अगर इधर इधर 12 बज रहा होता, ठीक है, या ऐसे नहीं, ऐसे मत समझो, भारत का नहीं समझो, ग्रीनविच मीन टाइम से देखते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से देखते हैं, अगर ग्रीनविच मीन टाइम से 68 डिग्री 7 मिनट पे अगर 5 बज रहा होता तो ग्रीनविच मीन टाइम के रिस्पेक्ट में ये 97 पे कितना बज रहा होता, 7, 2 घंटा आगे चल रहा होता, तो 2 घंटे का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, हमने कहा एक काम करते हैं, भारत की जो मीन टाइमलाइन है स्टैंडर्ड टाइमलाइन है उसको इंडिया के मिड पॉइंट से गुजार देते हैं, भारत के बीचों बीच, तो 68 और 97 के बीच में आया 82.30 आया, हमने कहा यही से गुजार लगभग बीच में आता है 1-8 डिग्री आगे पास, क्योंकि इलाहाबाद का जो शहर है ना इलाहाबाद से जाना कुछ जरूरी था ऐसे कुछ था तो वहां से इसको गुजारा गया, ठीक है, तो कुछ ये 82.30 से बनी भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन, क्योंकि लगभग 2 बराबर भागों में देश को नाप रही है, तो ये 1 घंटा पीछे चला जाएगा, ये 1 घंटा बाद में चला जाएगा, इधर कहीं रहता तो बहुत ज्यादा गैप बनने लगता, समझो मान लो यहां से अगर मीन टाइमलाइन भारत की चली जाती, यहां पे बज रहा होता सुबह का छह बज रहा होता तो यहां पर एकदम धूप हो चुकी होती, यहां पे बज रहा था 5 जब ऑफिस बंद करने का टाइम होता तो यहां पे रात हो चुकी होती, 7 बज चुका होता और मतलब कोई रहता ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा में बहुत बड़ा संकट हो जाता, ऐसे क्या लगभग 1 घंटे का ही गैप है, तो यहां पे मान लो अगर ऐसे क्या 1 घंटे का गैप है तो मान लो यहां पे 5 बज रहा है ना, पूरे इंडिया में 5 बज रहा है तो ठीक है, पूरे इंडिया में 5 बज रहा है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 6 के हिसाब से मौसम हो रहा होगा, तो समझ रहे हो कि पूरे इंडिया में 5 बज रहा है, बजेगा यहां भी 5, समय तो यहां भी 5 होगा लेकिन दिन 1 घंटा ही ज्यादा ढला होगा, 1 घंटा ही ज्यादा ढला होगा, इस वजह से इस लोकेशन को हमने क्या किया, अपनी मीन टाइमलाइन बनी। अब कह रहा है ये जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है यानी ईस्टर्न देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, इसको हमने भारत की मानक या अम्युत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है, ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है, मिर्जापुर है ना कालीन भैया के गांव से गुजरती है, और इस बात को और क्या ध्यान में रखना है कि मिर्जापुर से गुजरने के साथ साथ ये किन राज्यों से गुजरती है आप बताएंगे, मैंने ऑलरेडी आपसे बताया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी बताया। अब कह रहा है अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, यानी कह रहा है जो लैटिट्यूड का इंपैक्ट है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फॉर साउथ एंड नॉर्थ, ये कैसे हमने ये पढ़ा था, ये कैसे कह रहा है जैसे हम साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं तो जो दिन और रात की अवधि है, जैसे अवधि का मतलब ये समझो, जैसे हमने पढ़ा था विषुवत रेखा पर समानता 12 घंटे का दिन होता है 12 घंटे की रात होती है, जबकि नॉर्थ पोल में चले जाओ तो 6 महीने दिन होता है 6 महीने रात होती है,
छह महीने दिन, छह महीने रात। तो ये कह रहा है यही अंतर है, कह रहा है जैसे जैसे जीरो डिग्री से नॉर्थ पोल में जाते हैं तो वैसे वैसे कह रहा है दिन और रात की अवधि में परिवर्तन हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, सीधी नहीं है, सीधी नहीं है, ये टिल्ट है। तो ये मान लो हमारी सीधा एक्सिस रहता तो पृथ्वी कुछ ऐसी है, वाकई में पृथ्वी कुछ ऐसी है, झुकी हुई है, एक्सिस पर झुकी है। इस वजह से दिन और रात की अवधि नॉर्थ से साउथ में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का रिलेटिव मोशन कर्क रेखा से कर्क रेखा दिखाई देता है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक सूर्य का रिलेटिव मोशन, ठीक है, सापेक्षिक गति सूर्य की दिखाई पड़ती है। तो यह अंतर हो जाता है, ठीक है। तो ये बात बताए, बोला कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? क्यों अंतर है? तो मेजर कारण वही है, अंतर इसलिए है क्योंकि कन्याकुमारी मतलब विषुवत रेखा के समीप है जबकि कश्मीर 30 डिग्री पर है। चूंकि सूर्य अपने एक्सिस पर झुका हुआ है इस वजह से दिन और रात में यह परिवर्तन होता है, ठीक है। अब कह रहा हूं इंडिया और वर्ल्ड, भारत तथा विश्व, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। देखो कह रहे थे, कई लोग पूछ रहे थे कि सर दक्षिण एशिया भारत को क्यों बोलते हैं सर, है ना। दक्षिण एशिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने एक पहले फिक्स लोकेशन ली। तो जैसे मान लो ये एशियन कॉन्टिनेंट था, ठीक है, जैसे मान लो ये एशियन कॉन्टिनेंट था, ये पूरा एशिया है, एशिया है। तो हमने क्या किया, इस वाले रीजन को मान लिया सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, तजाकिस्तान, ये वो, इसको हमने सेंटर माना, एक सेंटर पोजीशन लिया। वहां से देख रहे तो ईस्ट में देख रहे हैं कि चीन है, साउथ में देख रहे कि इंडिया है, साउथ ईस्ट में देख रहे हैं कि आसियान कंट्री है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट में ये देख रहे हैं, वेस्ट में देख रहे हैं वेस्ट एशिया। तो हमने एक सेंटर पोजीशन ली, एक हमने रिलेटिव पॉइंट लिया, इसे नहीं अपने मन से नहीं डिसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो वेस्टर्न एशिया, हमारे लिए जो वेस्टर्न एशिया है वही अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट है। देखो अमेरिका यहां पर है, अमेरिका के लिए ईस्ट क्या है, ये सबसे ईस्ट क्या है, चाइना, फार ईस्ट क्या होगा, चाइना होगा अमेरिका के लिए, या साइबेरिया का ये वाला क्षेत्र होगा फार ईस्ट, उसके लिए मिडिल ईस्ट क्या पड़ जाता है, ये वाला जो हमारे लिए वेस्ट एशिया है, ठीक है। तो अमेरिका का ईस्ट ये पड़ जाएगा और मिडिल ईस्ट पड़ जाएगा जो हमारे लिए वेस्ट एशिया है, ठीक है। तो बात समझिएगा, तो हमने अपने रिलेटिव पोजीशन के लिए क्या देखा, हमने देखा सेंट्रल एशिया, एशियन कंट्री को हमने मान लिया ये सेंट्रल एशिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान वाला जो रीजन है उसको सेंट्रल एशिया बोला और वहां से सारे एशिया की वो निकाल ली। तो अब ये कह रहा है भारत, तो कह रहा है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। तो देखो भारत क्या है, एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट का साउदर्न एक्सटेंशन है, साउदर्न एक्सटेंशन है, ठीक है। तो वही बात यहां पर कह रहा है, ठीक है, साउथर्न एक्सटेंशन है। अब ये कह रहा है हिंद महासागर जो कि पश्चिम यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति। तो हिंद महासागर में इंडिया क्या है, सेंट्रल पोजीशन में है। ये भी आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो किसी भी इंटरनल सिक्योरिटी के प्रश्न, अगर ऐसा प्रश्न आता है मरीन सिक्योरिटी या मरीन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पर कोई प्रश्न आता है तो आप बता सकते हो कि भारत जो है सेंट्रल पोजिशन में है, भारत सेंट्रल पोजिशन में है, कहां पर, इंडियन ओशियन में, ये बात कर सकते। इसी के कारण भारत की इसी सेंट्रल पोजीशन के कारण महासागर का नाम भारतीय महासागर रखा गया है, ठीक है। ऐसी पोजीशन है कि भारत विश्व के सभी देशों से जुड़ पाता है। देखो ये भारत की ऐसी पोजीशन है ना, ऐसी पोजीशन है कि भारत यहां से क्या करता है, यहां से अफ्रीका से जुड़ जाता है, यहां से यूरोप से जुड़ जाता है, इस रास्ते यहां से आप देखोगे ये रास्ते भी जा सकता है अमेरिका में, ये रास्ते भी अमेरिका में जा सकता है और इधर से भी अमेरिका में जा सकता है, इधर से भी प्रशांत महासागर घूम के भी अमेरिका में जा सकता है, एशिया से जुड़ जाता है आराम से। तो भारत क्या ऐसी लोकेशन है कि आराम से जुड़ता है। अब यहां पर एक बात और कह रहा है, कह रहा है सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल इन 1869, तो यहां पर देखो यहां पर, ठीक है, यहां पर ये जो मिस्र है, इजिप्ट है, यहीं पर है सुएज कैनाल, सुएज कैनाल, तो पहले बंद थी, तो पहले बंद थी ये रास्ता, तो हम यूरोप जाना पड़ता था तो हम ऐसे जाते थे, अफ्रीका केप ऑफ गुड होप से होकर यूरोप जाते थे, लेकिन जब स्वेज कैनाल बन गया तो हम यहीं से रास्ते जाने लगे। इससे क्या क्या डिस्टेंस 7000 किलोमीटर कम कर दिया, तो ये 7000 किलोमीटर लंबा रूट पड़ता था, ये 7000 किलोमीटर छोटा रूट पड़ जाता है, यही बात यहां पर बताया, ठीक है, ये बात इसको बताया हुआ। तब खुली थी स्वेज नहर 1869 में, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्री में इंटरव्यू कहीं भी पूछ सकता है, प्री में ज्यादा चांस है स्वेज नहर कब खुली थी इसका प्रश्न बन सकता है, ठीक है, ठीक है, ये बात कह रहा है। अब कह रहा है कि
कि भारत और विश्व का मैदान है, तो कह रहे भारत और विश्व का संबंध सदियों पुराना है। पहले लोग क्या करते थे, ये जो भारत के दर्रे आप देखोगे, ठीक है, जो पासेस देखोगे वहां से आते थे, ठीक है। तो भारत की जो पासेस है, ठीक है, यहां पर, तो पहले भारत में लोग आते थे तो इस रास्ते आते थे, यहां पे पासेस देखो, दर्रा यहां पर दिख रहा है, यहां पे क्या है, दर्रा बनेगा, यहां पे गोलन, खैबर, बोलन, ये सब दर्रे थे। तो भारत आने के लिए यात्री इस रूट का यूज करते थे, पहले स्थल रूट का यूज करते थे। लेकिन वास्को डी गामा खोज निकाला भारत का रास्ता, तो वास्को डी गामा के बाद लोग क्या करते, समुद्र से आने लगे, ठीक है, समुद्र से आने लगे। और ये जो आने लगे, आने जाने लगे भारत से, तो क्या हुआ, भारत का भी प्रभाव इन देशों पर पड़ा, ठीक है। भारत ने बौद्ध कल्चर का डेवलपमेंट कराया पूरे दुनिया में, और भारत पर भी इन यात्रियों का प्रभाव पड़ा। तो वही कह रहा है, उपनिषदों के विचार, पंचतंत्र की कहानियां, दशमलव प्रणाली, संसार के विभिन्न भागों तक भारत के साथ सांस्कृतिक संबंधों के कारण ये पहुंच सके, ठीक है। वही कह रहा है, मसाले, मलमल, मुस्लिम्स बेसिकली, आदि कपड़े व्यापार के लिए अन्य भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। फिर भारत पर भी यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिम एशिया के वास्तुकला का प्रभाव पड़ा गया। तो हमने देखा कि जो गांधार मूर्तिकला थी वो ग्रीको रोमन मूर्तिकला थी, तो उसपे इसमें भी इंपैक्ट पड़ता था, ग्रीको रोमन इंपैक्ट उस पर पड़ा था। फिर कह रहा है, भारत के पड़ोसी देश बहुत, जो चंट है, नेबरहुड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, नेबरहुड कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इंडियाज नेबर। तो यही कह रहा है, दक्षिण एशिया में भारत का साउथ एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, 28 राज्य 9 केंद्र शासित। अब ये चेंज हो गया है, 28-8 हो गया, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉपर दिखाया था, ये भी चेंज हो गया, ठीक है, ये भी चेंज हो गया। भारत की भूमि सिवाय उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। तो अब कह रहा है, भारत की सीमाओं के बारे में बता रहा है, कहां कहां लगती है। तो यहां पर देखो, ये जो लोकेशन है, यहां पर एक है वाखन कॉरिडोर, वाखन गलियारा, ये है, यहां से भारत अफगानिस्तान से जुड़ता है, पाकिस्तान से तो पूरा इतना जुड़ता है, फिर यहां से जुड़ता है चीन से, ठीक है, फिर यहां देखोगे नेपाल है, भूटान है, फिर म्यांमार है और बांग्लादेश है। भारत इनसे क्या करता है, लैंड बाउंड्री इनसे शामिल करता है। तो ये बात वहां पे बताया कि भारत की सीमाएं इन इन देशों के साथ लगती है, लोकेशन के साथ यहां पर बताया, वो हमें बताइए, ठीक है, बताइए। अब अगर दक्षिण में हमारे पास दो द्वीप समूह राष्ट्र है, तो एक है श्रीलंका, एक है मालदीव। तो ये दक्षिण में पास दो द्वीप समूह राष्ट्र है जो बगल में है, ठीक है, जो बगल में है, है ना, ये बात समझिएगा। पाक जल संधि सबसे छोटा समुद्री रास्ता भारत में, तो ये जो है पाक स्ट्रेट, पाकिस्तान, ये बेचारा जाता है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, जिसका बहुत विरोध हुआ था। अभी मोदी जी ने क्या नाम है, अक्षय कुमार इसी पर एक मूवी बनाए राम सेतु नाम से, ठीक है, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, तो यही जुड़ता है पाकिस्तान से, ठीक है, बात इसको बताया। कह रहा है भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे, ऐतिहासिक रहे, ये सब बात बताई यहाँ पर, है ना, ये बात यहाँ पर बताई है, और ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। एक जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है मेंस के लिए एग्जाम्पल्स देने के लिए, देखो ये मेंस के लिए महत्वपूर्ण के एग्जाम्पल्स देने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे यहां पर बताया, स्कूल भुवन एक पोर्टल है, ठीक है, तो यहां पर क्या दिखा है, ये रहा, ठीक है, बात है, कह रहा है स्कूल भुवन इज अ पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स। तो ये कह रहा है एनसीईआरटी के साथ साथ ये भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं स्कूल भुवन पोर्टल से। तो मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ स्कूल भुवन पोर्टल, ठीक है, तो भारत से रिलेटेड आप बहुत सारे मैप इस पोर्टल पर देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप दिख रहा है, तो ये अपने आप में पूछ सकता है, ये प्रश्न प्री में अपने आप बन सकता है कि स्कूल भुवन पहल किसकी है, ठीक है, किसकी है, तो शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के साथ साथ ये इसरो की पहल है, देखिए यहां पर लिखा है, ठीक है, एनएआरसी इसरो की एक पहल है भुवन एनसीईआरटी के आधार पर, ठीक है, यह इसरो की एक पहल है, ठीक है, ये आप देखिएगा, तो इसरो की पहल है, तो अपने आप में ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एमएचआरडी के साथ देखोगे इसरो की पहले लेवल वन देखते हैं एक बार, है ना, देखते हैं एक बार क्या है, ठीक है। और देखिए आप लोग सोचते हो सर एनसीईआरटी नहीं मिल रही है, देखो, अच्छा अभी ये लॉगिन करना पड़ेगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी जो है, एनआरएससी लिखा है ना यहाँ पर, देखो यहां लिखा है एनआरएससी इसरो की पहले, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, तो यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड बेसिकली डालना पड़ेगा, तो ये सब है ना,
ये दिमाग में रखना है, एक चीज और ध्यान रखना, स्कूल भवन तो है ही, ncert.nic.in पर भी ना आपको सारी एनसीईआरटी मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, केवल गूगल सर्च करना है। देखो मैं तरीका बता रहा हूँ एनसीईआरटी किताब डाउनलोड करने का, जैसे आप लोग अगर मान लो नहीं मिलता है तो आप लोग ये नहीं कि खुद से एक मिनट में निकाल लें, एनसीईआरटी किताब डाउनलोड करना बहुत ईजी है, एनसीईआरटी बुक सर्च करनी है, एनसीईआरटी बुक सर्च करोगे गूगल पे यही आएगा सीधे, एनसीईआरटी बुक, देखो पहला ही सिखा रहा है ncert.nic.in, देखो यहां सर्च किया, ठीक है यहां सर्च किया, कह रहा है सेलेक्ट क्लास, तो मान लो क्लास नाइन्थ की मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्लास नाइन्थ सर्च करो, क्लास नाइन्थ पे क्लिक करो, सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो मान लो सोशल साइंस ज्योग्राफी पढ़ा, सोशल साइंस क्लिक करो, कह रहा है सेलेक्ट बुक टाइटल, तो कौन सी बुक पढ़ा रहा हूं, आगे बताइए करता हूं, तो अभी क्या पढ़ा रहा हूं, समकालीन इंडिया कंटेम्पररी, तो मान लो आपको इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो ऊपर तीसरे नंबर पर देखो कंटेम्पररी इंडिया लिखा हुआ है, हिंदी में क्या दिया हुआ है देखो समकालीन भारत, क्या लिखा हुआ है समकालीन भारत, देखो पांचवें नंबर पे दिया हुआ है, तो ये डाउनलोड कर लो गो, जो गो चलोगे तुरंत आ जाएगा, अब रेशनलाइज कंटेंट भी आ गया है, शॉर्ट नोट्स और डाउनलोड कंप्लीट बुक, डाउनलोड कंप्लीट बुक पे करोगे तो वहां पे डाउनलोड हो जाएगी, देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड हो जाएगा, बहुत इजी एनसीईआरटी डाउनलोड करना, एकदम लोड नहीं लेना है इसके लिए, ठीक है, तो बहुत इजी ये काम, थोड़ा थोड़ा सेल्फ सफिशियंट बनने की कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है सेल्फ सफिशियंट बनना, ठीक है, तो ये मैं इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर आप देख पाएंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने कहा था ना ये पूछेगा कर्क राज्य किस कर्क रेखा, ये डायरेक्ट अब यूपीपीसीएस मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन है, सॉरी प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो तुरंत बताओ, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, क्यों, मगरमच्छ झपटा, अब मैं वापस दिखा रहा हूं, मगरमच्छ झपटा से हम लोग ने इस बात को किया था, तो मतलब म से मतलब मिजोरम, मध्य प्रदेश मान लो, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, ज से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, ट से त्रिपुरा, तो मगरमच्छ झपटा, ऐसे याद करना, आठ राज्यों से गुजरती है तो उड़ीसा नहीं है। बोला भारत का सबसे पूर्वी देशांतर का एग्जैक्ट याद रखना है 97025 68 से 97 पूर्व, ठीक है। कह रहे सिक्किम किस देश को, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से किस देश को छूती है, तो सीधी बात है नेपाल, नेपाल। ग्रीष्म अवकाश में आप कावारत्ती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, कावारत्ती का मतलब लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में जाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। मेरे मित्र एक ऐसे देश की रहती है भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए कौन सा देश है, भूटान की सीमा लगती है, बांग्लादेश में लगती है, नेपाल के साथ लगती है, ताजिकिस्तान के साथ नहीं लगती है, टिक करिए, ठीक है, ये समझिएगा मेरी बात कि ये आपका प्रैक्टिस होना चाहिए तत्काल, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट, मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है कि कौन से इसकी करते हैं, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कीजिए, है ना, आज मेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, थोड़ा सा आप लोग भी रिलैक्स कीजिए, है ना, और प्री के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, प्री वाला डेली पढ़िए थोड़ा, ठीक है, मेंस वाला भी, और जैसे जैसे हम हायर क्लासेस पढ़ेंगे ना और अच्छे से करेंगे, प्री वाला थोड़ा डेली कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप देखेंगे, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बता दूं कि ये बेसिकली हम लोग ने ऑलरेडी कर रखा है ऊपर ऊपर कि पहाड़ का 6 पार्ट बताए थे, याद है 6-7 पार्ट बताए थे, पहाड़, वेस्टर्न घाट, सोचिए गए पर सर बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, रेगिस्तान, सब बताया था, अब क्या है इसको डिटेल में दिया गया, मैंने कहा था वो इंट्रोडक्टरी क्लास है, अब इसी चीज को डिटेल में कि पहले पामीर नॉट होगी, पामीर नॉट के नीचे कराकोरम होगा, कराकोरम के नीचे लद्दाख होगा, फिर जास्कर होगा, अब ये डिटेल में अब हमें काम में करना है, अब हमें थोड़ी मैपिंग भी यहां से करनी है, मैपिंग प्रैक्टिस भी करनी है जो कि प्री में मेंस में आएगा, ठीक है, फिर हमें अब थोड़ा सा डिटेल में देखना है कि कौन सा सबसे ऊंचा शहर है, कौन सा क्या है, अब हम थोड़ा डिटेल में उसी चीज जो हमने इंट्रोडक्शन किया था उसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है, और डिटेल में देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे अभी क्वेश्चन हमने देखा था ना, पूछा था कि सतपुड़ा, ये कई बार ये भी पूछ देता है कि विंध, सतपुड़ा, महादेव, इनको क्या करो, ईस्ट से वेस्ट लगा दो, कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो इन सब प्रश्नों की अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए, मौसम भी चेंज हो रहा है तो अपना भी ध्यान रखिए, घर वालों का भी ध्यान रखिए, जय हिंद।